नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो UPSC जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, इसके द्वारा हाल ही में 8 भर्तियों के रिजल्ट जारी किए हैं। और अगर आप इन्हें 8 के 8 भर्तियों के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो UPSC जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपकी महत्वपूर्ण अपडेट ये जारी हुई है। तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है, और इसमें जो यहाँ पर सिर्फ 5 तक ही दिखा रहा है, तो ज़्यादा नोटिस देखने के लिए आपने क्लिक टू कंटिन्यू करना होगा। इसे करने के बाद आपके सामने सारे के सारा जो पेज है ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 8 जो नोटिस है ये हाल ही में जारी हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहला जो आपका नोटिस है ये लेक्चरर बायोलॉजी वालों के लिए है एंड लेक्चरर इंग्लिश वालों के लिए। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है, और इसमें देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन संख्या इतनी और डेट इतना को आयोजित की गई थी, और इसमें से प्रवक्ता जीव विज्ञान अंग्रेजी पुरुष महिला विषय का अंतिम चयन परिणाम माध्यमिक आयोग के द्वारा औपबंधिक रूप से घोषित कर दिया गया है, और परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग के कार्यालय और सूचना पट पर भी लगा दिया गया है। ये वाली वेबसाइट है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं, इसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और नीचे आपके यहाँ पर ये लिस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट लेक्चरर इंग्लिश ब्रांच ये फीमेल, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, नाम और साइड में रिमार्क्स हैं, और 15 जो पेज है इसमें आपकी लिस्ट ये जारी हुई है। तो इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर मेल वालों की लिस्ट है, तो ये आपको यहाँ पर रिजल्ट था। और साइट पर हम वापस चलते हैं, और दूसरी भर्ती का जो नोटिस है यहाँ पर एलोपैथी वालों का, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका दूसरा रिजल्ट है, ये आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका रिजल्ट है एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर का, और ये जारी हुई आपकी 12 पेज में। जिसके आगे पी लिखा मतलब प्रोविजनल, कुछ डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जाए हट जाएगा। और ये देख सकते हैं 256 कैंडिडेट हैं, 256 कैंडिडेट। तो ये आपका रिजल्ट है, और ऐसे ही जाए यहाँ पर नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो होम साइंस वालों का, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका होम साइंस वालों का रिजल्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंटरव्यू वगैरह हुआ था तो उसके बाद ये सूची जारी हुई है, और एक पोस्ट थी ये, तो ये नाम है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक जो है एक पोस्ट थी ऑप्थाल्मोलॉजी की, और 30 जून 2022 जो है इसको इंटरव्यू हुआ था, और साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु निर्धारित न्यूनतम दक्षता प्राप्त नहीं किया है, तो जिसके कारण अनुपस्थित जाति की उपस्थिति एक रिक्त अनभरी रह गई है। तो इसके लिए कोई कैंडिडेट जो यहाँ पर नहीं मिला, तो इसलिए पोस्ट जो है वैकेंट यहाँ पर रह गई है।
उसके बाद जो आ जाता है आपका 5वें नंबर का यहाँ पर रिजल्ट, और ये आपके 5वें नंबर का है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कार्डियो वस्कुलर थोरेंसिक सर्जरी, और कुल पोस्ट थी यहाँ पर 5। और ये आपका रजिस्ट्रेशन नाम, और ये अभियुक्ति है यहाँ पर, एक पोस्ट थी यहाँ पर, सॉरी कुल थी 5 पोस्ट थी यहाँ पर, 2 पद अनारक्षित और 1 पद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, और 2 पद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए। 30 जून को इनका इंटरव्यू था, उसके बाद जो यहाँ पर सूची जारी हुई है। तो एक कैंडिडेट है ये, 1 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित, 2 पदों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 1 पद को अग्रणित करते हुए पुनः विज्ञप्त किए जाने की संस्तुति की गई है। तो इनके लिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है वो भी देख लेते हैं, 6 नंबर का, और ये सर्जरी वालों के लिए है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें कुल थी 7 पोस्ट यहाँ पर, और जिसमें 3 पद अनारक्षित थे, 1 पद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, और 2 पद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, और 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित, और 36 आरक्षण के अंतर्गत 1 पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु 30 जून 2022 को संपन्न हुआ। और उसके बाद जो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये जारी हुई है, और यहाँ पर जो 3 जो कैंडिडेट है ये इसमें सिलेक्ट हुए हैं, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम, और यहाँ पर इनकी अभियुक्ति है। और अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण अनुसूचित जाति हेतु 2 पदों का और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1 पद, EWS का 1 पद, तो ये अग्रणित करते हुए अतः पुनः विज्ञप्त किए जाने की संस्तुति की गई है। तो ये पोस्ट जो यहाँ पर खाली रह गई है, इनके लिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट रिजल्ट है यहाँ पर 7वें नंबर का, और यह है सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी में, 3 पोस्ट थी यहाँ पर, 2 पद अनारक्षित और 1 पद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए थी। 30 जून को इनका इंटरव्यू था, उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर सफल हुए उनकी सूची है जारी की गई है। तो 2 कैंडिडेट हैं, और 1 पद के सापेक्ष कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है, तो पोस्ट खाली रह गई है। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो 8वें नंबर का जो रिजल्ट है ये भी देख लेते हैं, ये आपके 8वें नंबर का रिजल्ट है, और ये है सहायक आचार्य कार्डियोलॉजी का। तो 4 पोस्ट थी इसमें, 2 पद अनारक्षित और 2 पद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए। इंटरव्यू उसी दिन था यहाँ पर 30 तारीख को, और जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए उनकी सूची जारी की गई है। तो 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और 2 पोस्ट ये खाली रह गई हैं, तो इनके लिए कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसे पुनः विज्ञापित किया जाएगा। तो ये जो 8 रिजल्ट हाल ही में जारी हुए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए। धन्यवाद।